सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा आशीष। प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय साखी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहली वीडियो में दो दोहे का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, अब तीसरे चौथे दोहे का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। आइए तीसरा दोहा देखते हैं। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल्या सोजिन बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आय। कबीरदास जी कहते हैं ज्ञान प्रकाशया माने ज्ञान का प्रकाश हुआ, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। गुरु मिल्या जब गुरु मिले, माने जब गुरु मिले तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। सोजिन बिसर जाए, इसलिए बिसर न जाए या भूल न जाए, जो ज्ञान हमें मिला है, जो ज्ञान का प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है, वह भूल न जाए, इसे हमेशा अपने हृदय में संचित करके रखना है। जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिल्या आए, जब गोविंद यानी ईश्वर की जब कृपा हुई है तब हमें गुरु मिले हैं, और जब गुरु मिले हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ है। इसका व्याख्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य वही होगा, भाषा आपका हो जाएगा सधुकड़ी भाषा या पंचमिल खिचड़ी दोनों कह सकते हैं। रस आपका भक्ति रस हो जाएगा, छंद दोहा छंद, अलंकार अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यह आपका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ काव्यगत सौंदर्य लगभग सब एक होता है, केवल अलंकार बदलता है। तो आप देख लीजिए कहीं अगर उपमा अलंकार दिखता है तो उपमा लिख सकते हैं, रूपक दिखता है रूपक लिख सकते हैं, तो केवल एक ही पॉइंट बदलेगा अलंकार, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, अब हम लोग अगले दोहे के व्याख्या की तरफ चलते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवें पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। कबीरदास जी इसमें जो मोह माया है इसके बारे में वर्णन किए, सांसारिक मोह माया के बारे में वर्णन किए हैं कि लोगों को अपने अंदर एक तरह से अपने पास आकर्षित करके और उनको इसी भ्रम जाल में लपेटे रहती है और उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता है। कहते हैं माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इमें पड़न, कहते हैं कि यह माया मोह माया दीपक के समान है, नर पतंग और मनुष्य कीट पतंगों के समान है। जिस तरह से किसी दीपक के पास कीट पतंग जाते हैं कुछ आकर्षक वस्तु समझ करके और वहीं अपने पंखों को जलाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, उसी तरह से सांसारिक मोह माया है और मनुष्य उस दीपक के समान है कि सांसारिक मोह माया में उलझ करके अपनी जीवन नष्ट कर देता है। भ्रम भ्रम इवें पड़ंत, जो उसके भ्रम में पड़ करके यहीं पड़ा रहता है, यानी उस माया के जाल में फंस करके यहीं पड़ा रहता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एकाध माने बहुत कम लोग उबर पाते हैं, यानी इससे बहुत कम लोग इससे ऊपर उठ पाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। इस तरह से आपका चौथे दोहे का व्याख्या हुआ, काव्यगत सौंदर्य में बता दी हूँ, आप उसी तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।